ब्रह्मचारी छी मैं ही मातिले बिगाड़ी, ब्रह्मचारी छी मैं ही मातिले बिगाड़ी, दिन महना रात दिनों तेरी नराई। ब्रह्मचारी छी मैं ही मातिले बिगाड़ी, दिन महना रात दिनों तेरी नराई। आइए दोस्तों, आज बैगन की खूबसूरती का राज जानते हैं। हमारे कितनी सुंदर है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आज परविंदा आज आपके लिए बहुत ही सुंदर पहाड़ी बैगन है वीडियो ला रही हूँ। देखो जरूर चाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज प्रवीणा आज एक और नई वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ। जी हाँ, मैं हमेशा बात करता हूँ पहाड़ के उन सुंदर सी चीज़ों के, पहाड़ में क्या क्या उगता है, क्या क्या पाया जाता है। तो आज भी बात करेंगे अपने पहाड़ी बैगन के बारे में। जी हाँ, पहाड़ों में बैगन के भुट्टे के पेड़ भी बहुत आसानी से उगते हैं, जिनको आप बैगन कहते हैं, बिना बैगन बिना गुण वाला सब्जी। और ये सब्जी जो है बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है, दिखने में भी, खाने में भी। जी हाँ, इसके फायदे और नुकसान के बारे में आज जानने कोशिश करूँ। उसकी तो यो भुट्टा कत्ती भरता ले बनाई जा और कत्ती पकौड़ी ले बनाई जाने, यानी कि मैं अगर हिंदी में बात करूँ तो इसका कहीं पे पकौड़ी बनाए जाते हैं, कहीं पे भरता बनाया जाता है। जी हाँ, इसके सबसे पहले ये जो फूल आते हैं, इसको फूल आते हैं, फिर ऐसे बैगन छोटी सी मात्रा में होता है, फिर ये वाला बैगन इसमें आता है। जी हाँ, ये अलग अलग शेप में ये बैगन मिलते हैं। अगर बात करूं तो पहाड़ों में अपार संभावनाएं हैं बैगन सब्जी, मूली, गाजर, खीरा, तमाम चीज़। अभी यहाँ पे बाकुल भी हो रहा है छोटा सा, ये देखो इसके इस तरफ को देखो तो लाई आई बहुत हो रही है। तो पहाड़न में बहुत ज़्यादा चीज़ होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके गुणों की। सबसे पहले अगर इस सब्जी को हम आयुर्वेद के रूप में लें तो ये सब्जी खाने से हमें नींद में बहुत अच्छी राहत मिलती है और नींद में फ़ायदा होता है। ये सब्जी, जी हाँ, ये बैगन हमारी भूख को नियंत्रित करता है। इसको एक कटोरा सब्जी खाने से आपको पेट में जो है भरा हुआ महसूस होगा और काफ़ी देर तक आप चल सकते हैं। जी हाँ, मोटापा बिल्कुल भी नहीं इस सब्जी में, कैलोरी बिल्कुल 0% है इसमें। तो अगर जो मोटे लोग अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो वो भी इस बैगन को खा सकते हैं। पेट में जो है बहुत देर तक ये वो कर सकता है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस बैगन में। जो ये भुटू बोट छो, ये भुटू साग खा जो, वो ये शरीर में पानी कब्बे कमी न होने। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम है। अगर आपके पाँव में कहीं भी किसी भी जगह अगर चोट लग गई हो, थोड़ा सा इसको मिलाकर हल्दी का लेप लगा देने से वो चोट आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो इसका जो कलर है बैगनी कलर, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। पहाड़ी बैगन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हमारी हड्डियाँ दर्द कर रही हों या कोई वो चीज़ हो रहा हो तो उसके ये बहुत लाभकारी माना गया। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी काम आता है, अच्छा करता है। विटामिन सी पाए जाने के कारण हमारी जो स्क्रीन है उसमें चमक भी रखता है। जी हाँ, अगर आप इस बैगन को तेल में भूनकर खाते हैं, तेल की सब्जी अगर तेल में बनाकर खाते हैं, तो ये आपके वज़न को फिर बढ़ाएगा। वैसे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है, लेकिन आप अगर इसमें तेल में भूनकर इसको खाते हैं तो आपके वज़न को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक ये बैगन अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कुछ ऐसी खूबियाँ भी हैं। जी हाँ, इस बैगन में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मैं पहाड़ी बैगन आज एक तारीफ़ करनी हो, जो लोग उन्हें ना पहाड़न में किन उनका, तो उन्हें इनका बताने कोशिश करा है कि यहाँ पहाड़न में भुटू पेड़ है, बहुत ओरिजिनल उन्हें। लेकिन एक वो पेड़ होता है जो हम शहरों में उगाते हैं, जिसको हम देसी खाद से नहीं उगाते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक जो भैंसों गोबर छो या कोई यह चीज़ छो वही लोगों ने उगाई। तो ये ऑर्गेनिक जो चीज़ है वो अपने आप में बहुत पौष्टिक होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। नहीं तो बैगन में क्या होता है, बेसिकली आप देखते हैं कि उसमें सुई लगा देते हैं लोग, सब्जी वाले या जो भी मालिक हो, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर जो पहाड़ी गार्डन का ओरिजिनल जो बैगन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देखिएगा मैं बिल्कुल इस वक्त एकदम जंगल में खड़ा हूँ और
बैगन का जंगल आप कह सकते हैं, बहुत सुंदर बैगन आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा कितने प्यारे प्यारे बैगन हो रहे हैं और सब्जी खाने में तो बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ जो हमें नहीं खाना चाहिए, जिन लोगों को उनके बारे में भी बताऊँगा। जिनको बवासीर की बीमारी होती है, ब्लड का जो निकलना होता है, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी हो रही हो तब भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको एलर्जी हो रही हो, आपको कहीं खुजली हो रही हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। आपके पेट में गैस हो रही हो, कब्ज़ हो रहा हो, उसके लिए भी आप ना करें। अगर आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं तो तब भी आप इसका सेवन ना करें। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वो आराम से इसकी सब्ज़ी को उगा सकते हैं। जी हाँ, पहाड़ी बैगन की विशेषता आज आप तक मैंने पहुँचाई। ये बैगन जो है सिर्फ पथरी के बीमारी के लोगों को नहीं खाना चाहिए, पथरी के बीमारी में भी ये थोड़ा सा नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। यानी कि पहाड़ी गार्डन में उगाया बैगन, कितना सुंदर सुंदर धनिया, मेथी, मेथी भी हो रही, देखो बगल में। अब किसी दिन पहाड़ी मेथी की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो मैं बात करता हूँ ना अपने पहाड़ की, मैं बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए सामने बाकुल भी हो रहा है, देखिए ये बाकुल कितना मस्त बाकुल हो रहा है, ये बाकुल के फूल आने वाले हैं अभी। इधर ही बगल में लाई भी हो रही है, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। तो बिल्कुल आप बने रहें और इसी तरीके से जो है हमारी पहाड़ की जो सब्जी हैं तमाम उसको खाते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय बाय। बहुत जल्दी आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। जय माता दी।